प्रॉब्लम नोट करना, टी टू प्लस डी प्लस वन, डी टू प्लस डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू ए टू की पावर माइनस एक्स। आर्टिकल सब को याद है, आर्टिकल सब को याद है, चैप्टर क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बटवाटा फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट। काम करने का तरीका याद है, काम करने का तरीका y को बाहर निकालो, जो आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको d से रिप्लेस करो, मतलब dn dx dn की जगह पर क्या रखो, कैपिटल dn रखो, और बाद में ये पूरा सेटअप करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री वो बना, सॉरी ऑक्सिलरी इक्वेशन, जहां जहां d है उसकी जगह क्या रखो, है उसको बराबर कर दो जीरो को, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना, रूट आएंगे परफेक्टली रियल रूट, और उसके बाद रिपीटेड रियल रूट, इमेजिनरी रूट या फिर इरेशनल रूट, जैसा केस होगा अपने लोग चार्ट बनाए हुए हैं, वो चार्ट अपने दिमाग में रखना, और सुनो वो चार्ट की नकल मारने की आदत छोड़ो, मेरा तो चल भी जाएगा, मेरा तो मान लो चल जाएगा, हम भूल गए हम नकल मार सकते हैं, तुम भूल गए तो एग्जाम में भूल जाओगे, इसीलिए तुमको वो याद करना पड़ेगा, चार पांच केसेस जो है कि आपके रूट रियल होंगे तो क्या किस्सा आएगा, आपके रूट रिपीटेड होंगे तब क्या किस्सा आएगा, इमेजिनरी होगा तो क्या हाल होगा, या फिर आपका इरेशनल का होगा तब कैसे बनेगा, यही चार पांच किस्से हैं, ये याद रखो, एग्जाम में सीधे सीधे काम करना रहेगा, ऑक्सिलरी फंक्शन बनाओ, रूट निकालो, जो भी है जैसा केस है लिख करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लो, अगर कैपिटल क्यू जीरो है तो पी आई नहीं आएगा, और अगर कैपिटल क्यू एक्स का कोई फंक्शन है तो आपको पी आई निकालना पड़ेगा, तब आपका सॉल्यूशन बनता है वाई बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी हम लोग पी आई जिंदा करके चल रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग शुरुआत में देख चुके हैं जब आप केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से देते हो, अभी आज की तारीख में जो पहला किस्सा है वहां पर जो कैपिटल क्यू होगा, कैपिटल क्यू इज द फंक्शन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स टाइप का, उसके लिए किस्सा बताए हुए हैं, जो आपका फंक्शन ऑफ डी बना हुआ है उसको क्या करो, पी आई क्या होगा, वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स बराबर ई की एक्स बाहर आएगा, जहां जहां डी है वहां क्या छोड़ेगा, ए छोड़ देगा, यानी वन अपॉन एफ ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स, यही शुरुआत कर रही है लिखना। सबसे पहला काम करो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना, सॉल्यूशन ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन है मेरे पास एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं तो एम बराबर कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट एम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू एम, यानी दिस इंप्लाइज दैट एम इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस, इधर सुनो ये कितना है, वन माइनस फोर माइनस थ्री, यानी अंडर रूट कितना, अंडर रूट माइनस थ्री ये रहा, और अंडर रूट माइनस थ्री को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट थ्री आई, सही या गलत, और डिवाइडेड बाई, चेक कर लो सही है या गलत, सही है, तो आपके पास दो रूट आ रहे हैं, पहला दिस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, फिर अगला प्लस माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू आयोटा आई, दोनों को अलग अलग इसलिए अलग अलग करें ना, जिससे मुझको पता चलता है ये टुकड़ा आपका किसकी जगह अल्फा और ये किसकी जगह बीटा, और रूट हो गया अल्फा प्लस आई बीटा कॉम्प्लेक्स का पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू सबसे आसान वाला लिखते हैं सी वन ई टू दी पावर अल्फा एक्स, अल्फा कितना है माइनस वन अपॉन टू एक्स, सी वन ई टू दी पावर अल्फा एक्स विद इन ब्रैकेट कॉस बीटा एक्स आया ना, कॉस बीटा एक्स यानी कि कॉस ऑफ अंडर रूट थ्री अपॉन टू एक्स और प्लस अगला कॉन्स्टेंट सी, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, टेबल चेक कर लो क्या वास्तविकता में यही है, अरे साइन कॉस दोनों इन्वॉल्व हुआ होगा, तीन टाइप लिखाई हुई थी ना, एक साइन में था एक कॉस में, एक में साइन कॉस दोनों इन्वॉल्व था, अभी देखो कॉस वाला इस्तेमाल किया, चेक कर लो सही है, सी वन ई टू दी पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू, जब तक आपसे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मान लेगा कि ये दिखाइए इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए तब तक टेबल चेक करो पूरे के बाहर एक बार,
अब cos ऑफ अंडर रूट 3 बाय 2 x प्लस, ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगला काम किसका होगा? पी आई का। चलो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ t e टू द पावर माइनस x, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ माइनस 1 e टू द पावर माइनस x। लिख सकते हैं। अच्छा f ऑफ माइनस 1 देखें, ये रहा यहाँ पर, ये पूरा हिस्सा f ऑफ d है, d की जगह माइनस 1 को माइनस 1 का स्क्वायर है, और ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, केवल और केवल कितना 1, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस अपॉन, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय cf plus pi, देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय y बराबर cf plus pi, एंड दिस इज इक्वल टू cf अपने पास है c1 e की माइनस 1 अपॉन 2 x cos, ज्यादा नीचे हो जा रहा है, लिख लो तो ऊपर लिख लो, ये सब लोग लिख सकते हो, कॉपी में सबके cf पढ़ा है, cf और pi को जोड़ करके साइड बाय साइड लिख लेना, अगला ऊपर लिख लो वाला, ये हो गया ये वाला। y is equal to cf, cf ये बोल दिया c1 c की पावर माइनस 1 अपॉन 2 x cos ऑफ अंडर रूट 3 अपॉन 2 x प्लस 2 और प्लस pi c की पावर माइनस 1। इसी को अगर मान लो एग्जाम में कहे इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए, और यहाँ पर साइन का फंक्शन लगा तो घबराना मत, बस cos की जगह किसको इस्तेमाल कर दूंगा, साइन को इस्तेमाल। अगर cos साइन दोनों में देता है, नॉर्मली देता होता नहीं, बस कहता है आप इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, फिर भी अगर देता है तो तीनों फॉर्म याद है, तीनों लिख डाल, उनमें से कोई एक होगा वो एक ऐसे होगा, बाकी के दो घटा काम करो। नोट करो y is equal to e to the power 2x। Now
अगला काम जानते हो क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना बनेगा? एम क्यूब प्लस सिक्स एम स्क्वायर प्लस इलेवन एम प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। जरा माइनस वन रख करके पहले चेक करो, माइनस वन तो माइनस ही ग्यारह और छः, ये हो गया कितना? माइनस फाइव, और माइनस वन करने पर ये हो गया प्लस सिक्स और वन, ठीक है। माइनस फाइव और माइनस वन माइनस सिक्स सेटिस्फाई करेगा। एम इज इक्वल टू माइनस वन इसका एक रूट होगा, एम इज इक्वल टू माइनस वन। जब एम इज इक्वल टू माइनस वन होगा तो सिंथेटिक डिवीजर लगाते यही बगल में ऐसे साइड में कर दो, ये नहीं बताने चल रहे कि एक फैक्टर m माइनस वन होगा, वो भी निकाल लेंगे, टायर बच्चों वाली हरकतें पाली जाए, m माइनस वन एक फैक्टर निकालेंगे और अगला वाला। हाँ भाई, तुम डिफरेंशियल इक्वेशन पे ठीक ही नहीं थी जब ये चला था, तब तुमको ये पता होगा ना कि कैसे हिट एंड ट्रायल लगा दें, बस तब ठीक है। यहाँ रखो माइनस वन और इनके कोफिशिएंट उठाओ, वन सिक्स इलेवन सिक्स, वन सिक्स इलेवन सिक्स, यहाँ सबसे पहले जीरो ऐड करो, वन वन इंटू वन माइनस वन ऐड करो, फाइव पाँच इक्के पाँच माइनस फाइव ऐड करो, सिक्स छः इक्के छः माइनस सिक्स ऐड किया तो जीरो। इसका मतलब जैसे इम्प्लाइज है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एम माइनस वन या एम प्लस वन, एम प्लस वन माइनस वन रूट है तो एम माइनस अल्फा मतलब एम प्लस वन बाहर आया, और अंदर के हिस्से में देखना एम स्क्वायर प्लस फाइव एम और प्लस छः के छः तीन दूनी छः तीन सौ पाँच माइनस टू माइनस थ्री रूट यही है, यानी दिस इम्प्लाइज दैट एम प्लस वन ये छः के छः और सारे पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब तीन दूनी छः तीन दो पाँच दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव टूटेंगे तो एक पैकेट एम प्लस टू एक पैकेट एम प्लस थ्री, तो ये हुआ एम प्लस टू और ये हो गया एम प्लस थ्री और बराबर कितना जीरो। मेरे पास तीन रूट आए और तीनों डिफरेंट आए, दिस इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू, तीन रूट आपके पास तेज तो नहीं हुआ ना, बस सिंपल सी चीज है इसलिए ऐसा बोल गए ना ना में रहते। अब अपने पास लिखने का तरीका मौजूद है, सी अप ये नोट कर लो, तब से इसको रोक के तो बताएं। चलो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखो इसका, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर कितना माइनस टू एक्स प्लस सी थ्री ई टू दी पावर माइनस थ्री। ये तो आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आई किसकी पी आई की, चलो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाले, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी, ये रहा डी क्यू प्लस सिक्स डी स्क्वायर प्लस इलेवन डी प्लस कितना सिक्स और ई टू दी पावर टू एक्स। अब एक काम करो डी की पावर टू एक्स को बाहर खींचो और जहाँ जहाँ डी एफ की जगह पर क्या रखते जाओ दो रखते चले जाओ, दिस इज इक्वल टू ई टू दी पावर टू एक्स अपॉन दो दूनी चार दूनी आठ और प्लस दो दूनी चार छः चौबीस, इधर से दो दूनी चार ग्यारह दूनी बाईस और इधर से सारे पॉजिटिव जोड़ बोलो कितना है ई टू दी पावर टू एक्स अपॉन सिक्सटीन, ये रहा पी आई। सोल्यूशन क्या होगा डी एफ प्लस पी आई, डी एफ और सोल्यूशन इज गिवन बाय। सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसलिए सॉल्यूशन दिया जाएगा वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू सी वन ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी टू थ्री की पावर माइनस टू एक्स प्लस सी थ्री ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स ई की टू एक्स चलते
बाई डी एक्स टू, डी टू बाई डी एक्स टू प्लस टू पी डी बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू थ्री टू दी पावर सिंप्लीफाई करो। ये तुम्हारे जो है पूरी तरीके से लगाओ, हो जाएगा आसान है, सारे लोग लगाओ। थोड़ी दूर तक हम साथ देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक, नहीं वो आप जिंदगी क्वेश्चन सॉल्यूशन री राइट और थोड़ी बताएंगे री राइट एवं इक्वेशन इक्वेशन उपरोक्त इक्वेशन को पुनः लिखने पर डी टू प्लस टू बी डी प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर गया वाई इज इक्वल टू थ्री टू दी पावर डी फोर ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा मेरे पास एम स्क्वायर प्लस टू पी एम प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अच्छा ठीक है निकल सब लोग ना माइनस बी प्लस माइनस अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी लगा बैठा नहीं कर पाता, मतलब करोगे तब भी आंसर तो वही आएगा, गलत नहीं होगा, बच सकते थे। ये देखना एम स्क्वायर प्लस टू थ्री एम प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बच गए, ये आपका होगा दिस इज इक्वल टू एम प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर निकल गया। अब यहाँ से होल स्क्वायर हटाओ, होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये बन जाता, ये अपना बनता है एम प्लस बी इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस क्यू आई, ये कितना होता अंडर रूट माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये होता था दिस इंप्लाइज दैट एम प्लस पी इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू आई, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट एम इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस क्यू, क्लियर हुआ क्या हुआ अभी घूम ही रहे हो नहीं जाना क्या ठीक है तो खालो फिर जाओ कौन गया इधर कहीं के ये बताओ ये सवाल लगाना हुआ तो ऐसे स्कैम भाग रहे हो और लड्डू सुनना हुआ तो बैठ गए और पढ़े जल्दी स्कूल नहीं आता सवाल नहीं आता इसको कहते हैं मतलब लड्डू सुन कर तभी हम तुमको मुसरी कहते हैं ना नहीं ये जैसे लड्डू देख रहे कुछ गाना शुरू कर अरे आई एम एक्सपीरियंस वो समझ करके नाम रखे तुम्हारा आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस साइन के फॉर्म में बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सी एफ इज इक्वल टू कितना e टू दी पावर माइनस पी एक्स ब्रैकेट के अंदर में c1 cos qx प्लस c2 sin qx, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा सोच लो सब लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सबका यही है पी आई निकालो फटाफट कितना ये हो गया है सबका इधर और ये हो गया है पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ई टू दी पावर ए एक्स, यानी दिस इज इक्वल टू डी की जगह कितना रख दो ए, तो वन अपॉन
ए स्क्वायर प्लस टू ए पी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये हो गया ई टू दी पावर ए बना रहेगा। अच्छा ये प्लस क्या है, इतनी दूर तक का हिस्सा ए प्लस पी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, जैसे कि इक्वल टू ई टू दी पावर ए एच अपॉन ए प्लस पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो भैया ये आपका पी आई और जनरल सोल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई नोट कर लो। Therefore, solution is, general solution is, उनका पूरा general solution given by, y is equal to cf plus pi is equal to cf। और हाँ वो कैटलरी वाला लेक्चर ना, वो बोलते बोलते बार बार मोमेंटम मोमेंटम बोल गए भाई, याद है गड़बड़ है, मोमेंट था लिखे अपने मोमेंट थे, लिखे मोमेंट थे याद करो, लिखे मोमेंट मोमेंट अबाउट कैपिटल ए ना, बोलते अपने मोमेंटम हो गया था, वो दिमाग मेरा इधर उधर फिसलता रहा। मोमेंटम अलग चीज है, मोमेंट जो होता है टेंडेंसी होती है, किसी दिए गए फोर्स जो करता है, फोर्स किसी पॉइंट के अबाउट किसी को घुमा रहा था ऑब्जेक्ट को, वो उसकी टेंडेंसी है, दैट्स द मोमेंट। हाँ तो वो सुधार लेना, y = cf + pi = e टू द पावर - px ब्रैकेट में c1 cos 2x + c2 sin और उसके बाद प्लस ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नोट कर लो, दिस इज द आंसर। वो बन जाएंगे जहां पर आप ये काम करना चालू करो, pi is equal to 1 upon function of d e to the power ax और जैसे यहां पर रखो 1 upon f of k e to the power ax और ये कितना बन जाए जीरो। इसको अभी छोड़ दें, अगर किताब में ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इसको अभी छोड़ दें। कौन सा अलग किया ना आपका, ठीक है इसको हम लोग एकदम अलग हट करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम लोग साइन ए एक्स का कॉस ए एक्स का पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जितने केस ऑफ रिलोर हैं इनको एक जगह कर दिया जाएगा कि एक जगह पर पता रहे ये होगा तो क्या नियम होगा, ये होगा तो क्या। तो अगर अभी किताब में कहीं पर मिलता है जीरो होने का, कोई मुझको भेजा हुआ था, कौन भेजा था, अभिषेक तुम थे, अनुपलोक तुम हो, तुम्हें भेजे थे, तुम्हें भेजे ना, हाँ अभी छोड़ देना, अभी हम तुमको रूल नहीं बताएंगे, चाहे डिफ्रेंशिएट हो चाहे ना हो, जब इधर आएंगे आर्टिकल पे तभी बताएंगे, मैसेज हम पढ़ चुके हैं, नहीं सोचे तो मैसेज दे पाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं, हेडिंग डालना पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन कैपिटल क्यू इज ऑफ द फॉर्म साइन ए एक्स, साइन ए एक्स (laughs)
साइन ए एक्स एंड कॉस ए एक्स, कैन आप कॉस ए एक्स ना, कॉस ए एक्स डायरेक्टर एक बार गाली दे दो पहले तक, पहले उसे पीटना चालू करो। जिस दिन कैपिटल क्यू दिखने में साइन एक्स और कॉस एक्स टाइप का होगा उस दिन पर्टिकुलर इंटीग्रल देखना कैसे लिखा जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, साइन ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। अब बात समझो कैसे होगा, इधर मान लो अपने को दिया जाता है फंक्शन ऑफ डी, तो सबसे पहला काम करो फंक्शन ऑफ डी को ऐसा बनाओ कि डी की जगह पर क्या बन जाए डी स्क्वायर। जोड़ तोड़ करना पड़ेगा अपने आपको, बिना जोड़ तोड़ की ये सब काम नहीं होता। जो आपका फंक्शन ऑफ डी, मान लो फंक्शन ऑफ डी ऐसा होता डी की पावर फोर और उसके बाद प्लस टू डी स्क्वायर इस टाइप का फंक्शन ऑफ डी, तो गौर करो ये डी स्क्वायर टाइप का है। अगर इसको देखा जाए तो दिस इज द फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर, बिकॉज वी कैन राइट डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर की होल पावर वन। तो ये पूरा डी स्क्वायर का फंक्शन है कि नहीं, आप अपने दिए गए इस हिस्से को फंक्शन ऑफ डी को फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर के टर्म में बनाओ। एक बार ये डी स्क्वायर के टर्म में बन गया तो अब आप एक काम करो डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, किससे ए को पकड़ो और माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करो, रिप्लेस डी स्क्वायर बाय द माइनस ए स्क्वायर और उसके बाद जो आएगा ये सब कुछ आपका क्या कहलाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन शर्त वही है कि फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो, और जैसे ये जीरो होगा केस ऑफ फेल्योर तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये चीज याद रखनी है। केस ऑफ फेल्योर हम बार बार करें, केस ऑफ फेल्योर हम तीन का तीनों एक साथ डिस्कस करेंगे। e टू द पावर ax का भी केस ऑफ फेल्योर बनेगा, साइन ax का बनेगा और cos ax का, और ये सारे अलग से डील हो जाएंगे। क्लियर है, तो पहला ये लिखो फिर दूसरा बताते हैं। अगर ऐसा सेम प्रोसेस कोई अंतर नहीं है, जैसे पहले किए थे वैसे ही ये बन जाएगा, जैसे वन अपॉन फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। लेकिन यहाँ पर अब लगा देना प्रोवाइडेड बशर्ते, प्रोवाइडेड शर्त ये है कि फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो, इनको जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा ये सब क्लियर होगा, ये सारा डिस्कशन अलग से किया जाएगा। प्रॉब्लम इन विच ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें इन विच कैपिटल क्यू इज ऑफ द फॉर्म, कैपिटल क्यू इज ऑफ द फॉर्म साइन ए एक्स एंड कॉस ए एक्स। ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें आपका जो कैपिटल क्यू फंक्शन है वो साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स का फंक्शन होगा, और इन लोगों को एक साथ कर देंगे जैसे अभी हम लोगों ने किया। प्रॉब्लम इन विच कैपिटल क्यू इज ऑफ द फॉर्म ई टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स के सारे किस्से किताब में मेरे ख्याल से 6-7 नंबर के होंगे। कृष्णा पब्लिकेशन से आपका सिस्टम कितने हैं, 6-7 ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा 8-10 होंगे, वो लगाना, जो नहीं आता है वो बताना ठीक, और उसके बाद इस पर शिफ्ट हो जाना।
जो बता रहे केस ऑफ फेलियर अलग होगा तब तो ठीक है, अगर तुमको बीच रास्ते में केस ऑफ फेलियर टकराता है तब इसको सचमुच करना। केस ऑफ फेलियर का सारा डिस्कशन एक साथ का, हाँ उस क्वेश्चन को मार्क कर दे, बाद में लौट कर सकते हटा दे इसको। जी हो गया सबका। सबसे पहला प्रॉब्लम है सॉल्व बी टू बाई डी एक्स टू प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू कॉस फोर एक्स। क्या कैपिटल क्यू कॉस ए एक्स के टाइप का नजर आ रहा है और ए बराबर कितना है फोर। अब दिमाग में सॉल्यूशन, सबसे पहले रीराइट दी अबव इक्वेशन, रीराइट द अबव इक्वेशन, ऊपर दी गई इक्वेशन को फिर से रीराइट कर लेकर ये कितना बनेगा डी स्क्वायर प्लस नाइन बाहर कॉन वाई इज इक्वल टू कॉस फोर एक्स। दिस इंप्लाइज दैट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री स्क्वायर। सही है गलत? यानी दिस इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री आई, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री आई। चलो क्या रियल पार्ट जीरो है कि नहीं, छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना लो छोटा सा, क्यों साइन और कॉस दो जगह पर लिखे, लिखना चाहो साइन और कॉस दोनों लिख सकते हो, लेकिन अगर छोटा सा हिस्सा बना लो, छोटा सा हिस्सा बना लो, छोटा सा हिस्सा केवल कॉस का बनेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू कितना c1 e टू द पावर अल्फा x और अल्फा कितना है 0, तो इसका मतलब क्या हो गया और cos ऑफ बीटा x, बीटा कितना 3x + c2। चेक करो सही है कि गलत है, ये बताओ a बराबर कितना 4, तो d स्क्वायर को हटाए इसकी जगह क्या रख दे माइनस a स्क्वायर। याद आया दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4। सही है गलत? और प्लस कितना 9 और यहां हो जाएगा cos 4x। 4 चौक 16 9 10 6 16 6 7 माइनस 1 बाई 7। सही ये आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस cos 4x अपॉन कितना 7 और आंसर देना जनरल सॉल्यूशन दिया था। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू cf प्लस pi एंड दिस इज इक्वल टू सी एफ, अपने पास क्या आया था मेरा ये सी वन कॉस थ्री एक्स प्लस सी टू और प्लस माइनस माइनस 1/7 कॉस 4x। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा ये इस पर ये डी स्क्वायर फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर, आसान आसान इंटीग्रेशन आएगा आगे चल चल आगे चल के जहाँ केस ऑफ फेलियर आएगा ना वहाँ इंटीग्रेशन आएगा। तुम अब ये सोचती बस हो गया था आंसर का, दुनिया अभी इतनी छोटी लगी है भाई। तुम्हारे बिहेवियर से होता है, तुम्हारे बिहेवियर से होता है, तुमको दो मिनट टूटल पैक मारेंगे।
दो मिनट गूंगा पैक वाले जो होते ना फटाफट हर काम चाहते हैं फटाफट। हालांकि मैगी दो मिनट में बनती नहीं है, घड़ी लेके बैठ के देखो दो मिनट में तो उसका पानी भाप बन के नहीं उठता है। एक दिन हम कह चलो माइक्रो नहीं बनाते हैं, अब ले करके बैठ गए, अब प्याज व्याज काट वाट करके सब उबाल उबाल करके तैयार हो गया। अब तब तक पता चला अमेजॉन डिलीवरी वाला आ गया और इधर हम चढ़ा करके उसके बाद भूल गए थे, हम चले गए, हम तो फिर दो मिनट का काम है, चश्मा था वापस करना था, तो उसी को हम क्या अभी तुरंत स्कैन कर लेंगे वापस हो जाएगा। अब हमारा कुछ कर रहे हैं, उनका लेटर नहीं चल रहा है, उसके बाद कह रहे हैं सर ये प्रोडक्ट नहीं मैच कर रही है, उधर मेरा लहसुन चल रहा है। अब इधर के हमको खड़ा करके रखे, उधर मसाला लहसुन डाल करके आए हैं, गए उसके बाद जैसे कलसी हो चुका था एकदम सो चुका, फिर उसमें आप पानी मिला दिए, अब वही इधर उधर जैसा मन वैसा पानी मिला दिए, दो पुड़िया मसाला डाले, कुछ 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 करके धनिया वनिया डाल करके बनाए, मतलब अपना सोच रहे अच्छा उस दिन ना मूड था ज्यादा खाने का, एक प्लेट भर करके बनाए उसे। अब तब कहे थे सबसे घर में बाकी लोग उसे कहते थे क्यों मांगे तो देखना यार पहले बता दी जा सकते, सब कहे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, अब मेरे घर अब कहें क्यों ना लेने बहुत मन से सबके लिए बनाए गई ले लेना कोई नहीं लिया, उसकी शक्ल ही देख करके कोई नहीं लेगा। जाति ना आपका लोग हम एक दो बार कहीं सही सही बताए, एक दो बार कहें हम पढ़ करके जाओ तो बात नहीं, हम तो खुद ही ना पढ़ो पढ़ो तो लिखो में हो गए खराब। एनएसएस कैंप का ना 5% है, एनएसएस कैंप का गणित का क्या है फिर जाए बैठा, एनएसएस भरने वाले लोगों के दिमाग में जरूर चला होगा, फिर जाएंगे बैठ डालेंगे। वास्तविकता में जो रियलिटी है वो रियलिटी है, अदरवाइज ना आप क्लास पर एनएसएस का प्रेफरेंस नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, और खास कर ये तो बिल्कुल नहीं दे सकते, मैथ वाले बिल्कुल नहीं जाने कैसे लोग दे लेते हैं, और अगर दे रहे हैं तो वास्तविकता में दो ही तरह के लोग दे सकते हैं, एक हद दर्जे लाभ प्रवाह वाले और एक हद दर्जे टैलेंटेड वाले, ये दो दे सकते हैं। हद दर्जे टैलेंटेड वाला इसलिए दे सकता है लौट करके आएंगे हम कवर कर लेंगे, और लापरवाह इसलिए दे सकता है हम बैठेंगे तब भी हमको नहीं समझ में आएगा चलो वही 5% ले लें ना, ये बीच वाले जो होते हैं ना ये ऊहापोह में रहते हैं बेचारे ना यार मेरा गड़बड़ हो जाएगा चलो छोड़ो पहले क्लास पढ़ लेते हैं एनएसएस का फायदा करिए और ज्यादा नंबर पा लेंगे, है जरूरी है एनएसएस किसी ने नहीं कहा नहीं जरूरी, लेकिन ये बात कॉलेज को पहले सोचनी चाहिए ये बात कॉलेज, क्योंकि हम तो चलो कोचिंग वाले पहले कहते हैं हम तो कोचिंग वाले हमको किनारे करो, कॉलेज वाले का अपनी क्लास बंद कर दिया एनएसएस कैंप की वजह से, लेकिन कॉलेज में सारी क्लास अच्छा सोचो मेरा पढ़ेंगे तो खाली मैथ्स छूटेगा, कॉलेज में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों छूटेगी, या कॉलेज वाले भी अपने आप को मान लिया कि हम एकदम लड़ाई तरह पढ़ाते हैं इसलिए कोई आता नहीं, वो मान लिए होंगे अदरवाइज ऐसा काम ना हो सकता। अब तो बता रहे मेरी अथॉरिटी है हम तो एनएसएस का पूरा वही हटा ना, एनएसएस वही जाए जिसकी क्लास बंद है, और या तो जब तक 10 दिन का अगर एनएसएस कैंप भेज रहे हैं तो 10 दिन पूरी क्लास सस्पेंड करवा देंगे, 10 दिन क्लास सस्पेंड 10 दिन आकर के बाद में पढ़ा जाएगा, 10 दिन की एक्स्ट्रा क्लास लगेंगे, लड़कों का नुकसान कतई ही नहीं हो सकता, मैथमेटिक्स छोड़ो मैथ्स छोड़ो किसी सब्जेक्ट में आप क्लास का नुकसान नहीं कर सकते, क्लास का नुकसान आपको कभी ना कभी भारी पड़ेगा। अभी स्टूडेंट लाइफ में लगता है ना एक क्लास चली गई क्या फर्क पड़ता है, पड़ता ही एक क्लास जाने का भी फर्क पड़ता है अगर क्लास सही चल रही है तो, और अगर क्लास गड़बड़ चल रही है तो यार गड़बड़ चलती हुई क्लास में तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जैसे भी चले कोई बात नहीं, या तो लड़के लप्पू झलना हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए ना एनएसएस वालों से मेरा तो बहुत खास, वो कहते हैं ना रिश्ता नहीं है बहुत खास वाला, एनएसएस वाले लोग ऐसे ही लापरवाही करते हैं। सबसे पहला काम दो एक के दो और इधर से -2 -1 दो रूट मिल चुके -1 -2 मतलब इसके फैक्टर को सॉल्यूशन इसको लिखा जा सकता है d² -3d +2 5
इज इक्वल टू साइन 3x ये आपको दिया गया है। इससे लिख रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका होगा एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट दोनों का क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m को कॉमन करो, m कॉमन करोगे तो m माइनस 1 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट m कॉमन हुआ, एक फैक्टर आया m माइनस 1। यहाँ से माइनस 2 को कॉमन करो, इधर भी आया m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी दिस इंप्लाइज दैट एक फैक्टर m माइनस 1 और एक फैक्टर m माइनस 2 इक्वल टू 0। दो उठा के दोनों डिस्टिंक्ट आएंगे। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 1 कॉमन। सी एफ लिख सकते हो बड़े आसान से, इसका सी एफ तो सबसे आसान है। सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर 2x। पी आई की तरफ आना, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल, हाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल सोच करके बनाना, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपको बनाना पड़ेगा वो फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इतना नोट कर लो तो हम बता सकते। अपने ऐसा भी कर, जहां जहां टी स्क्वायर है उसकी जगह पर माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे, जो बचेगा उसको फिर डिल कर दो। पहले तो जहां जहां टी स्क्वायर उसको निपटा, और बाद में जो बच जाए उसको बाद में निपटा देंगे। यानी ये होगा पी आई 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, और ये आपका कौन हो गया साइन 3x। एक काम करो, दिस इज इक्वल टू ए बराबर बोलो कितना है 3। अपने को डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है माइनस ए स्क्वायर, तो 3 3 9 माइनस 9 रखना है। जहां जहां डी स्क्वायर नजर आ रहा है वहां वहां पर माइनस 9 पुट कर दो। ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना माइनस 9 माइनस 3d प्लस 2, और अभी इसको बाहर मत देना साइन 3x। जब तक ऑपरेटर खत्म ना हो जाए तब तक ये चीजें अभी बाहर आ नहीं सकती। सिंप्लीफाई करो कितना बना, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, तो माइनस को बाहर ले लेते हैं 3d प्लस 7 साइन 3x। नोट करो, ये तो नीचे का हिस्सा तुमको 3d प्लस 7 दिख रहा है, रैशनलाइज कर दें तो 3d स्क्वायर का हो जाएगा कि नहीं, रैशनलाइज कर दो इसको, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 3d माइनस 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3d माइनस 7 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर तो हो जाएगा 3d माइनस 7 अपॉन नीचे का हो जाएगा 3 3 9 9d स्क्वायर और माइनस 7 49। सहमत हो, सहमत हो, और बगल में कितना साइन 3x। अब अगला काम फिर वही जो अभी तक करते आए हो, जहां जहां टी स्क्वायर है उसकी जगह फिर से क्या रखें माइनस ए स्क्वायर यानी कि माइनस 9 पुट करो। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू यानी पी आई इज इक्वल टू माइनस बाहर है 3d माइनस 7 अपॉन बोलो टी स्क्वायर की जगह पर आप क्या रखो माइनस 9, तो 9 9 81 माइनस 81 आया ना, और माइनस कितना 49 ठीक है, और फिर यहाँ पर कितना साइन 3x। इनका हाल बोलो कितना आएगा 31। अच्छा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 130। अब फिर गौर करो इधर देखो सब लोग, ये है 3d माइनस 7 और बाहर कितना साइन 3x। अब धीरे से साइन 3x को अंदर लो, साइन 3x अंदर आएगा 1 अपॉन 130, और ये हो गया 3 into डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x। डिफॉल्ट डिफरेंशिएशन dx की जगह ही तो d रखे थे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन 3x और माइनस 7 साइन 3x। और सारे लोग जानते हो ये आएगा 1 अपॉन 130 और इसका 9 cos 3x माइनस 7 साइन 3x। ये आपका आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। भैया कट्टा पिट्टा हो तो काटो पिट्टा, नहीं तो छोड़ दो ऐसे। अब आपके पास पी आई आ चुका है और आपके पास सी एफ आ चुका है, सोल्यूशन क्या होगा सी एफ प्लस पी आई। जनरल सोल्यूशन के नाम पे लिख देना सी एफ प्लस पी आई। यही काम करना है, अगर डी स्क्वायर एक ही जगह पर नजर आ रहा है तो पहले उसको निपटा दो और बाकी जो बचे रैशनलाइज करके डी स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा फिर कोई रास्ता अपनाएंगे।
और अगर सीधे पूरा का पूरा फंक्शन आप डी स्क्वायर बन जाता है कठिन निपटा उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बात है, इतना पहले मेरे पास था रूल ये था जहां जहां डी स्क्वायर उसकी जगह पर माइनस ए स्क्वायर, तो पहले x के आगे जो बैठा है वही मेरा a, तो ये a बराबर कितना हो गया 3, a स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 9, आपको माइनस 9 भरना है, तो d स्क्वायर की जगह पर कितना भरो माइनस 9, पुट किया इनको छोड़ देना क्योंकि ये d है ना कि d स्क्वायर है, तो माइनस 3d प्लस 2, और ये अभी छूट जाएगा क्योंकि अभी ऑपरेटर खत्म नहीं हुआ है, ये हो गया साइन थीटा। अब इनको सिंप्लीफाई करो, माइनस 1 अपॉन माइनस 3d, माइनस को बाहर निकालिए 9 में से 2 7 माइनस 7, तो माइनस बाहर आया 3d प्लस कितना हुआ 7। अब एक काम करो, ये 3d प्लस 7 है, ऊपर 3d माइनस 7 से मल्टीप्लाई करो नीचे 3d माइनस 7 से, गौर करना ऊपर 3d माइनस 7 लिख दिया, नीचे करोगे तो एक हिस्सा है 3d प्लस 7 एक 3d माइनस 7, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3d स्क्वायर, तो 3 3 का 9 90 स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर 749, क्या अब डी स्क्वायर मिल गया, अब डी स्क्वायर की तरफ फिर क्या माइनस नाइन डी स्क्वायर ये ले लीजिए यहाँ पर 3 3 का 9 माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 भरो तो माइनस तो बाहर आया और 9 9 81, डी स्क्वायर की जगह पर माइनस 9 भरना है ना कि डी की जगह पर, अगर डी की जगह पर तब तो फिर माइनस माइनस प्लस कर देगा, क्लियर हुआ, तो यहाँ हो गया 9 9 81 माइनस माइनस 81 और माइनस 49 माइनस कॉमन करो माइनस माइनस प्लस ये माइनस माइनस प्लस नीचे वाला आ जाएगा 130 ऊपर बचा 3d माइनस 7 ऑफ साइन 3x अंदर भेजो 3 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x माइनस 7 साइन 3x क्लियर हुआ। लास्ट सब लोग लिख चुके हो जनरल सॉल्यूशन गिवन बाय y इज इक्वल टू cf प्लस pi, फिलहाल इसी पर इसको रोक दो, बाकी बातें फिर करते हैं।